colored lamb in the society, maybe in your family. But I feel that too. With the colored lamb, I mean, like, you feel you're different. You feel you are way different from the normative, the things that normal people do. They work, they follow the social parameters. And I mean, do you ever feel so, like, you are different? You're not meant for the same thing that everybody does. मुझे भी ऐसा ही लगता है, honestly telling you. But अभी different होना is different. At the same time, उस society में रहना जहाँ पर normal कुछ एक चीज है, जहाँ पर social parameters कुछ एक चीज है, जहाँ peer pressure, expectations, reality, everything doesn't go as per our plan, right? Everything doesn't go as per our dreams, and yet we have huge dreams, and those dreams, they don't let you be merged in the normative, in the everyman life, and that becomes the most difficult task for you to be an everyman. मेरी लाइफ के एक मेजर फेज में मैं बहुत क्रिटिकल थी, बहुत ज़्यादा उन सब लोगों के लिए जो जिनकी सीमा थी, जिनकी एक लिमिट थी यही सोशल पैरामीटर्स कि भाई इतना पढ़ लिया, अब जॉब कर ली, शादी कर ली, वही 9 to 5 जॉब किया, सुबह सुबह गए, उठे, काम किया, आए वापस, टीवी देखा, खाना खाया, सो गए. आई एम अ गर्ल ऑफ एक्सट्रीमिटीज. मेरे लिए कुछ भी नॉर्मल, कुछ भी सटल, कुछ भी स्टेबल, स्टैग्नेशन. फॉर मी एवरीथिंग, माई लाइफ हैज बीन सो एक्सट्रॉर्डिनरी, सो फुल ऑफ मैजिकल मोमेंट्स, दैट फॉर मी टू कनेक्ट टू दिस एवरी मैन लाइफ, टू कनेक्ट टू दिस नॉर्मल लाइफ, was so out of normal, was so extraordinary, and I couldn't identify, and I was overcritical. I used to criticize, scrib about things like, what the fuck are you guys doing? क्या कर रहे हो तुम लोग? देखो इससे बाहर, देखो निकलो इससे बाहर, निकलो, दुनिया में इतना कुछ है, सपने देखो, उनको जियो. I am a traveler, I am a wanderer. इतनी जगह travel करके, इतनी सारी जगह, इतने सारे cultures, इतनी सुंदर दुनिया देख के मुझे लगता है कि उस चार दीवार में अपनी सीमा सीमित कर लेना इज नथिंग. इट्स लाइक वेस्टिंग द लाइफ दैट आई हैव. बट एट द सेम टाइम, व्हाइल आई वाज ट्रैवलिंग, आई गॉट दिस थॉट कि अगर ये सारी डिफरेंट जगहें विद देयर यूनिक कल्चर्स, विद द नॉर्मेटिव लाइफ दैट दीज पीपल हैव बीन लिविंग, अगर ये सब नहीं होता तो मुझे वो डिफरेंट फ्लेवर्स कैसे मिलते हैं? अगर हम सारी डिशेस को एक जैसे बनाएंगे तो हमें फ्लेवर्स कहाँ पता चलेंगे? फिर तो सब कुछ सेम हो गया ना, हर रोज एक खिचड़ी मिलेगी, ठीक है, कोई ज्यादा कोई कम. बट इफ इंडिया वुडंट बी इंडिया एंड अमेरिका वुडंट बी अमेरिका, व्हाट विल बी द फन एलिमेंट इन गोइंग टू ऑल द वे टू अमेरिका, एंड व्हाट विल बी द स्पिरिचुअल एलिमेंट इन कमिंग ऑल द वे टू इंडिया? दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट, जहाँ पे बहुत सारे लोग एक जगह को उसकी ब्यूटी मेंटेन करके रखते हैं, और बहुत और उनमें से कुछ लोग वॉन्डरर्स होते हैं जिनको चेंज पसंद होता है. अभी हर एक एनर्जी, हर एक लाइफ का एक अपना लेवल है जहाँ पे वो लोग एक टाइप से जी रहे हैं. एंड विद टाइम आई रियलाइज कि अगर कुछ लोग कंटेंट है एक तरह की जिंदगी जीने में, कुछ काम करने में, आई शुड लेट देम बी, बिकॉज दैट्स द पर्पज ऑफ देयर लाइफ. वो भी उसी लेवल पे है, नॉट लाइक आई एम हैविंग अ हायरकी और समथिंग कि भाई मैं तो बहुत ऊंची उठ गई हूँ और समथिंग. आई एम नॉट सेइंग दैट, मे बी दे आर हायर देन मी, और मे बी देर इज नो हायरकी, मे बी वी आर ऑल परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शंस इन दिस सोसाइटी. पर एक तरह से मैं जो हूँ मुझे वो समझना है, एंड लाइकवाइज आप जो हो आपको वो समझना है कि मेरा पर्पज ऑफ लाइफ क्या है. क्या मैं ट्रैवल करना चाहती हूँ? एम आई अ पेंटर? एम आई अ सिंगर? एंड डिस्पाइट ऑफ द सोशल पैरामीटर्स, डिस्पाइट ऑफ हु डिफाइंस व्हाट फॉर मी, आफ्टर ऑल इट इज माय जर्नी, इट इज माय लाइफ. नोबडी विल कम टेल मी, या चलो मैं तुमको लेके चलता हूँ इस तरह, ये तुम्हारा रास्ता है, इस पर तुमको चलना है. नो नो, एवरी पर्सन हैज अ डिफरेंट जर्नी ऑफ हिज और हर ओन. एंड अगर हम वो नहीं पहचान पा रहे तब भी वो चार्टेड आउट है, अगर हम पहचान पा रहे हैं तो इट बिकम्स ऑल द मोर स्मूदर. बट नोबडी विल कम वॉक इंस्टेड ऑफ अस, इट इज आई हु हैव हु सपोज टू वॉक ऑन द पाथ दैट आई चूज और द पाथ दैट इज डिजाइन फॉर मी. सो व्हाई द फक अप, व्हाई द रेस, व्हाई टू डाउट माई सेल्फ, एंड व्हाई टू गेट इन टू अ काइंड ऑफ लाइफ विच इज नॉट नॉर्मल फॉर मी, विच इज नॉट द पर्सन दैट आई एम. इसलिए मुझे लगता है इफ यू आर अ कलर्ड लैम्प,
First of all, be empathetic, be sympathetic, and be understanding and be receptive about everything that is around me. अगर मैं इस society को criticize करूँगी कि भाई ये लोग जो सब दिन रात काम कर रहे हैं, ये कोई काम के लोग नहीं है, इनको पता ही नहीं है लाइफ क्या है, तो भाई मैंने कपड़े उसी सोसाइटी के पहने, मैं खाना उसी सोसाइटी का खाती हूँ, मैंने पढ़ाई उसी सोसाइटी में, एक इंस्टीट्यूशन, एक स्कूल में करी है. आई डोंट नो वो सही थी या वो गलत थी, बट अगर मैं आज बोल पा रही हूँ, मैं एक लैंग्वेज बोल पा रही हूँ, मैं अपनी बात कन्वे कर पा रही हूँ, मैं एक तरह से ड्रेसअप होकर बनकर निकल रही हूँ, एवरी फकिंग थिंग इन माई सिस्टम हैज बीन गिवन टू मी बाय द सेम सोसाइटी. अभी वो मुझे पसंद है या नहीं, वो सही है या वो गलत है, वो मैं नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि फ्रॉम द मोमेंट आई वॉज बॉर्न आई हैव बीन कॉपिंग पीपल, आई हैव बीन कॉपिंग ह्यूमन बींग्स अराउंड, द वे टू वॉक, वॉक ऑन माई टू फीट, मेक हैंड जेस्चर्स, फील हंग्री एंड ईट अ सर्टेन काइंड ऑफ डेलिकेसी, हैव माई लाइकिंग्स, हैव अटेन अ सर्टेन कल्चर, एवरीथिंग हैज बीन अ पार्ट ऑफ माई सोसाइटी. एज द सेम सोसाइटी दैट हैज बीन स्टेबल, दैट हैज बीन लिविंग इन अ पर्टिक्युलर वे विच गेव me what I am, and from all that I somehow designed, somehow took the parts that I was attracted towards, somehow took the elements that I found good for me, and I became me and I became I. अभी उसमें मुझे लगता है कि हाँ भाई ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है, ये चीज़ से मैं आइडेंटिफाई कर सकती हूँ, ये से नहीं, मैं नहीं कर सकती हूँ, वो दैट इज़ माई पर्सनल चॉइस, दैट इज as per what my purpose of life is, as per what my persona is, my personality is, my beliefs are, my choices are. But I cannot criticize altogether the entire society, because usse sirf cribbing aayega, usse sirf negativity aayegi, it won't help me in my way in any way. What is rather required? If you are a colorful lamb, if you are the colored lamb of the society out of the normative, is to have faith in your dreams. So this morning I was having a conversation with a friend. बहुत बहुत अमेजिंग कॉन्वर्सेशन था, एंड दिस गाई एंड वी वर हैविंग अ सिमिलर काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन कि भाई ही इज ऑल्सो वंडर, एंड वी वर डिस्कसिंग अबाउट ड्रीम्स एंड द पाथवेज एंड एवरीथिंग, एंड ही कोटेड दिस एग्जाम्पल ऑफ मोहम्मद अली. ओके, ही इज अ बॉक्सर, इफ यू गाइज डोंट नो दिस गाई, वेन ही हैड टू स्ट्रगल अ लॉट. ओके, उसको बहुत अब्यूजिव चाइल्डहुड था, बहुत सारी हार्डशिप्स आई, एक मेजर टाइम तक उसको बहुत सारे लोग समझते थे कि ही इज यूजलेस मे बी, एंड वेन ही फाइनली बिकेम, ही गॉट सक्सेस, समबडी आस्क्ड हिम द बॉक्सर कि व्हाट्स द की टुवर्ड्स योर सक्सेस, व्हाट्स द की ऑफ योर सक्सेस, एंड ही गेव दिस एग्जाम्पल, ही इज अ वेरी स्मार्ट मैन, लाइक आफ्टर सो मेनी हार्डशिप्स ही हैज गेन्ड दैट स्ट्रेंथ, एंड ही गेव दिस सिंपल एग्जाम्पल, ही सेड लाइक आई एम अ सिंपल मैन, एंड इफ सपोजिडली आई एम walking on a treadmill and there's another person who comes over and walks on the treadmill beside me, then either he'll quit first or I'll die. And that's the attitude that is required, not to quit, to believe in your dreams, to understand what you are in person. Tum ho kya? Tum kya chahte ho apni zindagi se? Tumhe kya lagta hai ki purpose of life kya hai? जो तुम्हारे सपने हैं क्या वो तुमको डिफाइन करते हैं? क्या तुम वाकई इतना फेथ उनमें रखते हो? अगर हाँ, किसी चीज को जब हम इतने दिल से चाहते हैं, व्हेन यू रियली वांट समथिंग, आई डोंट थिंक सो एनी एक्सक्यूजेस विल कम योर वे. हाँ, अगर मुझे कोई काम के लिए जाना है और आई एम नॉट इन मच इंटरेस्टेड, मेरी जॉब बोरिंग है, मेरा स्कूल, यू नो, डू यू रिमेंबर दिस एग्जाम्पल फॉर योर चाइल्ड, फ्रॉम योर चाइल्डहुड, बच्चे, एक बच्चे को जब रोज स्कूल जाना होता है, मम्मा उठाती है, वो नहीं उठता है, और जिस दिन पिकनिक होता है वो कैसा खुशी खुशी सुबह सुबह से जंप मार के उठता है कि मुझे तो जाना है आज पिकनिक. सो इट्स ऑल अबाउट योर वॉन्टिंग, इट्स ऑल अबाउट हाउ मच यू क्रेव फॉर योर ड्रीम, दैट zigzag दैट मेक्स आउट द वे, दैट brings in that discipline, that brings in that hard work, the amount of effort required to put in your dreams. And I understand there's a thing called destiny, there's a thing called luck, apart from your hard work. But meanwhile, till the time you reach the point where you aim to be, where you dream to be, till the time you reach there, whatever that point is, even if there is no ultimate game to win, maybe even if there is no destination, but then you have a certain direction, right? That's what brings in this agitation, this frustration, like fuck, I cannot identify with all this, I want that maybe. So if you have that certain direction in your mind, till the time you don't reach there, focus on every step. What am I doing today? For if I need to go on the top of a certain mountain,
क्या मैं हर कदम उसकी तरफ रख रही हूँ या मैं कोई रैंडम पहाड़ों पे चल रही हूँ और मे बी मैं जिस पहाड़ पे चढ़ू वो पैरेलल हो बट वो पहाड़ ना हो. लाइक आई वॉन्ट टू रीच दैट फकिंग पीक एंड इन ऑर्डर टू रीच दैट पीक आई नीड टू वॉक एवरी स्टेप अपॉन दैट माउंटेन. सो दैट डायरेक्शन इज वॉट इज रिक्वायर्ड. फोकस इज रिक्वायर्ड. अब भाई कोई कूद रहा है, कोई चल रहा है, कोई यहीं पे बैठकर खेती कर रहा है, कोई ऊपर चढ़ के क्या कर रहा है, आई हैव नो नथिंग टू डू विद दैट. माई जर्नी इज माई जर्नी. माई क्लिफ माई डेस्टिनेशन. माई डायरेक्शन इज माई डायरेक्शन. माई वे इज माई वे. एंड द जर्नी इन्वॉल्व इज द ब्यूटी ऑफ इट इज वॉट इज कॉल्ड लाइफ. तो अभी ऐसा नहीं है कि एक जगह पहुंचने के लिए जो छोटी छोटी खुशियां हैं उनको खो दे. वैल्यू करो जो चीज आसपास है उसको वैल्यू करो. एवरी थिंग मैटर्स. एवरी लिटिल थिंग एवरी पर्सन दैट कम्स इन टू आर लाइफ द पीपल देर आर पीपल हु विल हेल्प यू देर विल बी पीपल हु विल डिच यू मे बी बट एवरी थिंग मेक्स अ स्ट्रॉन्गर. एवरी थिंग इज मेंट टू बी द वे इट इज एंड दैट्स वॉट विल टेक अस टू आर ड्रीम्स. इफ यू आर द कलर्ड लैम्प ट्रस्ट इन योर सेल्फ हैव फेथ इन योर सेल्फ. Have a direction in your mind and never quit. Never quit. Be the Muhammad Ali of your life. Like, never quit. Just believe in your dreams. Work towards them. Have faith. One step at a time. Live in the now, the moment. Just now. And have faith in your dreams. Mystical Wanderers here. Off I go. I think this is April 2017. I don't know the date. Cool. Doesn't matter, right? Off I go.